This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. इस गेम में वित्तीय जोखिम का तत्व शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। हेलो दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार यादव आप सभी का ड्रीम इलेवन के एक न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। ठीक है, ड्रीम इलेवन पे आपका जो कि वर्ल्ड कप होने वाला है ओडीआई वर्ल्ड कप, उसके लिए मल्टी मैच फैंटसी आ चुका है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। इस फॉर्मेट से संबंधित अगर आपको कुछ डाउट हो तो इस पे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, वह वीडियो आप इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी, जाके वहां से देख सकते हैं और अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। साथ ही इसमें आपका आईफोन ऑफर भी आया हुआ है, इन दोनों के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे, सो वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ड्रीम इलेवन ऐप को आप ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद जो मल्टी मैच फैंटसी फॉर्मेट देखने के लिए अगर आपके बैनर पर नहीं शो कर रहा है तो एक बार पहले बैनर आप पूरी तरह चेकआउट कर लीजिएगा। अगर बैनर पर नहीं शो कर रहा तो लेफ्ट साइड के ऊपर कोने में आपका जहां प्रोफाइल शो करता है इस पर आप टच कीजिएगा। टच करने के बाद यहाँ पर नीचे है कि मोर फ्रॉम ड्रीम स्पोर्ट्स मल्टी मैच फैंटसी, इस पर आप टच कीजिएगा। टच करने के बाद यहाँ से जो मल्टी मैच फैंटसी है वो आपका ओपन हो गया है। ठीक, चलिए फटाफट पहले जान लेते हैं कि हाँ इसके रूल में कुछ बदलाव हुए हैं कि नहीं। तो हाउ टू प्ले पे हम टच कर देते हैं। टच करने के बाद ठीक है, यहाँ पे गाइड किया जाएगा कि कैसे आपको इस फॉर्मेट को खेलना है। तो पहले आप जो बेसिक है आपको टीम तैयार करनी है, जो भी राउंड होगा उस राउंड में जो भी टीमें होंगी उनके प्लेयर्स को ध्यान में रखकर ही आपको ये टीमें क्रिएट करनी है। ठीक है, और जो उसके अनुसार जो पॉइंट होगा, जैसे वो राउंड खत्म होगा तब जाके आपके जो फाइनल पॉइंट है और फाइनल रैंक वहां पे शो होंगे, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे जो टीम आप बनाएंगे वो 11 प्लेयर्स होंगे। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे ट्रांसफर मिलेंगे वो आप उन ट्रांसफर को भी यूज कर सकते हैं, इस बात के भी आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जिस तरह आप नॉर्मल टीम बनाते हैं उन्हीं सब चीजों को ध्यान देकर आप यहाँ पे टीम बनाएगा। बस यह ध्यान रहे कि जितने भी मैच उस राउंड में होंगे उन सारे प्लेयर को आप अच्छे से अच्छे प्लेयर को आप अपनी टीम में रखिएगा, जिससे कि आपके पॉइंट्स अच्छे हैं। यहाँ पे जो ट्रांसफर आपको मिलता है उस ट्रांसफर को भी आप यूज कर सकते हैं। हर राउंड के लिए अलग अलग ट्रांसफर होता है, इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो ट्रांसफर होता है उसका मतलब यह हुआ कि आप उतनी बार टीम चेंज नहीं कर सकते, उतने प्लेयर्स को चेंज कर सकते हैं। सो जिस भी राउंड में जितने ट्रांसफर मिले हैं उनको बड़े होशियारी से और प्लान करके और अच्छे ढंग से यूज कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपका कैप्टन वाइस कैप्टन आप चेंज करते हैं वो आपका काउंट नहीं होता ट्रांसफर में। ठीक है, और जो भी आपके ट्रांसफर चालू होते हैं वो उस राउंड के सेकेंड मैच से चालू होता है। पहले मैच के डेड लाइन से पहले आप जितनी बार चाहें उतनी बार ट्रांसफर कर सकते हैं, वो ट्रांसफर में काउंट नहीं होगा। ठीक है, इस बात का भी आप ध्यान दीजिएगा। आप इस फॉर्मेट में ये प्राइवेट कॉन्टेस्ट खेलकर भी ये प्राइवेट कॉन्टेस्ट क्रिएट करके भी आप अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। इसकी भी फैकल्टी यहाँ पे है और जो भी इसके रैंक है, जो भी इसके विनिंग प्राइस है वो सारे आपके पहले के तरह ही है। यानी जिस भी राउंड में आप ज्वाइन होंगे उसके अंतिम मैच के बाद जो फाइनल पॉइंट होंगे उसके अनुसार रैंक होंगी, उसके अनुसार आपका प्राइस होगा। ये तो फटाफट हो गया टीम क्रिएशन और इसका गाइड। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि जो यहाँ पहला राउंड है आपका वो 1 से 4 मैच के लिए है। ठीक, तो इस पर हम लोग टच कर देते हैं। टच करने के बाद इसमें आपको 12 ट्रांसफर्स मिले हुए हैं। ठीक है, तो इन 12 ट्रांसफर को बहुत वाइजली और अच्छे से आप यूज कीजिएगा चारों मैच के लिए। आप जो पहला मैच है उसमें तो ये इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का, तो आप यहां से इंग्लैंड और जो भी न्यूजीलैंड के हैं उनको आप तो चाहे तो आप आसानी से चुन सकते हैं। ठीक है,
इसमें आप चाहें तो ये बदलाव भी कर सकते हैं, इससे कोई भी कुछ दिक्कत आपका नहीं होने वाला। बस अगर आप जो इसमें टीम रखते हैं, अगर आप इससे मतलब चारों टीमों को मिला कर रखते हैं मेन मेन प्लेयर्स को, तो आपको एडिट करने में आसानी होगी। ठीक है, तो बस इस बात का आप ध्यान जरूर रखिएगा। तो हम यहाँ से फटाफट हमने टीम चूज कर लिया, कैप्टन वाइस के कैप्टन के लिए के कैप्टन विलियमसन, वाइस के कैप्टन जॉय रूट हमने बना के ये सेव कर दिया। अब अगर मैच पहला मैच चालू होने से पहले अगर आप इसमें कोई बदलाव करना चाहते हैं, ठीक है, तो जो माई टीम एंड कॉन्टेस्ट वाला ऑप्शन है इस पर जाइएगा, यहाँ से आपके टीमें शो कर देंगी। ठीक है, एडिट टीम का ऑप्शन है, इस पर जाके आप मैच चालू होने से पहले जितनी बार चाहें आप चेंज कर सकते हैं पहले मैच के चालू होने से पहले। ठीक, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। जैसे ज्वाइन होंगे तो आपका माई राउंड्स में ऐसे शो कर देगा। फुल सीजन जो 1 से 48 मैच के लिए होगा आपका, इस पर टच करते हैं तो इसमें आपको 188 प्लेयर ट्रांसफर मिलेंगे, यानी आप 188 बार प्लेयर को चेंज कर सकते हैं, 188 बार टीम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ऊपर आपको यहाँ पर ट्रांसफर गाइड भी मिलेगा। अगर आप प्लेयर को ट्रांसफर नहीं कर पाते या आपको कन्फ्यूजन होता है तो इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। इस ऑप्शन को यूज करने के लिए ही भी आप जिस भी राउंड में होंगे उसके सेकेंड मैच से ही इसे भी आप यूज कर पाएंगे। साथ में यहाँ पे जो मेगा कॉन्टेस्ट है, यहाँ पे जो भी नंबर 1 होगा उसे आईफोन भी मिलेगा, और जो नंबर 1 पे 2 लाख प्राइज है वह भी मिलेगा। ठीक है, जैसा कि अभी आप यहाँ पे मेगा कॉन्टेस्ट में देख पा रहे हैं। फिर यहाँ से जो आईफोन ऑफर है वो चल रहा है, वो देख लीजिए यहाँ से। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कीजिए, अपने स्किल को यूज कीजिए और आईफोन यहाँ से विन कीजिए। अगर आप आईफोन विन करते हैं, अगर आपको नहीं पता कि यहाँ पे जो भाउचर मिलता है उसे कैसे रिडीम करना है, तो इस पर भी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, वह वीडियो भी आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक, तो फिलहाल यही है आपका फैंटसी गाइड। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इस समझदारी से टीम बनाइए, खेलिए और अच्छी खासी विनिंग कीजिए। फिर भी कोई डाउट रह गया हो या कोई सजेशन हो या किसी और टॉपिक पर कोई वीडियो चाहे तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक, और वीडियो जानकारी अगर पसंद है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन मुझे प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो कृपया मुझे फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।